हर साल के भांति इस साल भी प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे बीच में वाई के शर्मा जी हैं, जो कि संस्थापक हैं, ओम ब्राह्मण महासभा के प्रमुख समाज सेवी भी हैं। सर, सबसे पहले तो श्रावण मास हमारा शुरू हो चुका है, क्या बधाई। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को जो है श्रावण मास की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बहुत कांवड़ भाई जो है, जो हमारे भोले भाई हैं, वो कांवड़ लेने गए थे, थोड़ा गर्मी थी इसीलिए उनको थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं सबके लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि सभी जो है अपने घर पर ठीक ठाक घर से पहुंच जाए। मैंने देखा रास्ते में कि बड़ी बड़ी परेशानी भर के बेचारे आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण उन्होंने भगवान इस भोले शक्ति दे रहा है तो वे चल पा रहे हैं, और सभी अब मुझे उम्मीद है कि सभी अपने घर पर सह कुशल पहुंचेंगे। शर्मा जी, देखने में आ रहा है कि 200 लीटर जल, 300 लीटर जल कंधे पर, 55 डिग्री का टेम्परेचर। हाँ, बताया कि जो है इतना टेम्परेचर है, और वह बहुत से भोले तो जो है 251 लीटर जो है जल लेकर आए। मैंने भी देखा कि एक एक के कंधे पर चार कलश इधर है, चार कलश इधर है, इतना वजन होता होगा, किस तरह चलना जो है, और इतनी उमस भरी गर्मी है, इसमें बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे कि सब जो है ठीक ठाक पहुंच जाए। बाइके शर्मा जी, हर साल कावड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस बार हरिद्वार की रिपोर्ट है कि लगभग 5 करोड़ कावड़ियों ने कावड़ उठाई। हाँ, तो ये तो होना चाहिए, हमारा हिंदू देश है, हिंदू सनातन धर्म है, जितना हमारे भाई जो है सनातन धर्म की तरफ बढ़ेंगे उतना ही और अच्छा है, सनातन धर्म को मानेंगे तो अच्छी बात है। और मैंने देखा है कि जो जवान बच्चे हैं वो भी ज्यादा उत्सुक है लाने के लिए, और ज्यादातर 50% तो जो जवान बच्चे वो ही ला रहे हैं, उनमें बहुत अच्छी आस्था है भगवान भोले के प्रति, और रहनी भी चाहिए। हमारी संस्था ओम ब्राह्मण महासभा इन सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हाँ, हमारी ओम ब्राह्मण समाज सभी का जो बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है, और सबके हमारे तरफ से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही शर्मा जी, हमारा हर साल के बाद इस साल भी प्रतिभा सम्मान समारोह की क्या तैयारी है? तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन थोड़ा गर्मी ज्यादा है, जो भी जगह है वहाँ पर अभी गर्मी के कारण जो है उमस ज्यादा है, तो हम सोच रहे हैं कि अगस्त में हम जो है प्रतिभा सम्मान समारोह करेंगे। हमने सभी स्कूलों से नाम और जो हमारी संस्था के सदस्य हैं उनके उनसे कह दिया कि भाई सब अपना जान पहचान परिचित हो, बच्चों के जो है मार्कशीट वगैरह इकट्ठी कर लो, और हम बहुत जल्दी एक कमेटी बुलाएंगे, उस कमेटी में ही हम निर्णय करेंगे कि कहाँ पर होगा और कब होगा, कौन सी डेट को होगा, ये हम बहुत जल्दी मीटिंग बुला के उसमें डिसाइड करेंगे। क्या 15 अगस्त से पहले करने का है या 15 अगस्त के बाद? 15 अगस्त के बाद जो भी संडे पड़ेगा उसको करेंगे। हाँ, ये भी डिसाइड, लेकिन हमारे जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, भाई हैं, कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें ही हम डिसाइड करेंगे दोनों चीज। शर्मा जी, वही बात करें, बच्चे इतनी मेहनत करके इतने नंबर स्कोर लेकर के आते हैं, लेकिन नीट जैसा एग्जाम सबके सामने है, ये तो प्रशासन की व्यवस्था है, कितनी कोशिश कर लो, लेकिन जो चोर है वो बहुत, एक चोरों के लिए तुम एक रास्ता बंद करोगे, लेकिन जो इस चीज में निपुण है चोरी करने में, वो तो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, तो उन्होंने फिर भी बहुत सकता ही है जो है, वैसे फिर भी उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया, पेपर लीक करने का, पेपर निकालने का, वहां पर भेजने का, करने का, तो ये तो बहुत कठोर नियम बनाने पड़ेंगे तभी जो है जा करके रुक सकता है, क्योंकि पेरेंट्स की बात करें, अभिभावकों की बात करें, तन मन धन से वो बच्चे को पढ़ाने में लगाते हैं। हाँ, बहुत बच्चों के पेरेंट्स मेरे लिंक में है, पता नहीं बेचारे कैसे कैसे तो अपने उनके बच्चों के ट्यूशन की फीस जमा करते हैं कोचिंग सेंटर की, लेकिन फिर भी उनका पेपर लीक हो जाता है तो बहुत दुख होता है। हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता, बेचारे मजदूरी करके किस पे ब्याज में पैसे लेकर करते हैं, अपने बच्चों के लिए सभी करते हैं, लेकिन जब ये पेपर लीक वगैरह हो जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा दुख होता है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार इनकी इन्वॉल्वमेंट है, आप मानते हैं या नहीं? सरकार को कोई जानबूझ के तो सरकार कराती नहीं है भाई पेपर लीक हो जाए, लेकिन जब वो कर देती है, लेकिन बस इसके लिए है कि कठोर, कल को पास होंगे फिर ये नौकरी मांगेंगे, इससे अच्छा है ये काम ड्रामा रचे तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अगर पेपर हो भी रहे हैं, लेकिन ये जो चोर हैं, जो सातिर दिमाग हैं, वे फिर भी कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, और सभी को आज के टाइम में पैसा चाहिए, नंबर एक के पे अपनी इनकम से कोई नहीं चाहता, वो सब चाहते हैं कि तुझे नंबर एक की इनकम दो, तुझे अलग बची रहे, वो नंबर दो का जो पैसा है उससे तू अपना सहन साइट हार्ट कर ले, सबके मन में ये है। शर्मा जी, ये तो रही बात नीट एग्जाम की, अगर हम बात करें अपने ओम ब्राह्मण महासभा की, तो हर साल हम वैवाहिक परिचय, ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन का भी आयोजन करते हैं, तो उसकी भी क्या हमने तैयारी शुरू कर दी?
हाँ, उसके लिए तो हमारे पास बार डेटा रोज एक दो आते ही रहते हैं, और तैयारी तो हम पूरे साल से ही करते रहते हैं। और क्योंकि एक कार्यक्रम खत्म नहीं होता, दूसरे की तैयारी तो जैसे ही प्रतिभा विकास वो प्रतिभा सम्मान समारोह खत्म होगा उसके बाद फिर हम मीटिंग बुलाएंगे। और वो ही है कि दिसंबर में तो सर्दी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, तो पिछले साल हमने जो है 25 नवंबर में करा था। हम अपनी जो है भाइयों से सलाह से मीटिंग में डिसाइड करते हैं, जो भी डेट होगी प्रतिभा सम्मान समारोह के बाद हम जो है उसकी मीटिंग बुलाएंगे और उसको डिसाइड कर देंगे। क्या उसका भी कोई टारगेट रखा है कि हमने इतने इस बार ब्राह्मण परिचय सम्मेलन करा? बायोडाटा तो हर साल बढ़ते ही हैं, चाहे हमारे 25 बढ़े हैं 50 बढ़े हैं, हमारे हर साल बायोडाटा बढ़ते ही हैं। इस साल भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि सबसे ज्यादा से ज्यादा बायोडाटा। ये कृपा तो महादेव की हमारे ऊपर रही है, ना प्रसाद कम पड़ता ना बायोडाटा। जिस तरह से बायोडाटा आ रहे हैं उस तरह से उम्मीद है कि इस बार पिछले साल के अपेक्षा जो है ज्यादा बायोडाटा रहेंगे। ज्यादा बायोडाटा, क्या भूलो को शुभकामना देंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि सभी भोले को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं पहले कह चुका हूँ कि वे अपने गंतव्य स्थान पर जो है ठीक ठाक पहुंचे, हमारी सबसे बड़ी शुभकामना यही है। तो ये थे हमारे बीच में संस्थापक ओम ब्राह्मण महासभा के वाई के शर्मा जी, जिनका साफ साफ कहना है कि 15 अगस्त के बाद में प्रतिभा सम्मान समारोह और नवम्बर से पहले ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी है। बायोडाटा लगातार हर रोज एक दो आ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, महादेव की कृपा पूरी बरस रही है। सावन की महाशिवरात्रि की भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।